सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे। तो आपके ही अपने YouTube चैनल आरकी ने फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि Redmi, अगर आप भी Redmi मोबाइल यूज करते हैं तो आपके एक फीचर के बारे में शायद मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो वीडियो को छोड़ सकते हैं फ्रेंड, अगर नहीं मालूम है वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको एक फीचर जानने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फीचर क्या है आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइक कर देना है, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आपको यही बताएंगे कि देखिए, हम जिस तरह मोबाइल, यहाँ पर बटन नहीं है, हम आप देख सकते हैं यहाँ से फुल डिस्प्ले है। अगर आप भी अपने मोबाइल में फुल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक रहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से दिखला देते हैं पहले वाला जो भी आपको मिलता है मोबाइल के साथ। ठीक है, वो सेटिंग किस तरह करना है, जिस तरह देखिए हम यहाँ से चला रहे हैं, माने जैसे ये वाला ऑप्शन हम ओपन कर दिए हैं ये वाला, हमको इसको कट करना है। तो बैक बटन आप जोड़ेंगे यहाँ पे, कहाँ है बैक बटन नहीं दिख रहा है, देखिए हम साइड से किस तरह बैक बटन यहाँ से दिखाएंगे, ये कट हो गया। जैसे भी हम मान लीजिए कोई सा भी ऐप यहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहाँ से सीधे होम में करना है। तो यहाँ से जैसे ये ऐप यहाँ से करिएगा, यहाँ से होम में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का फीचर आपको लाना है। तो चलिए हम आपको बताना है, ना ही कोई सा ऐप से डाउनलोड करना है, ना ही कोई सा कि ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म पर कोई सा भी जाना है। तो आपके मोबाइल में दिया होगा, बस आपको सेटिंग ऑन कर देना है। चलिए फ्रेंड करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले वो वाला दिखला दे जो कि आप नए मोबाइल खरीदे होंगे, आपको बटन होगा यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे कोई भी बटन नहीं है। तो चलिए हम पहले वाला ऑप्शन ले देते हैं, उसके बाद आपको बारीकी से समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो को समझने में किसी प्रकार का अगर छोटा सा भी आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको 24 घंटे तत्पर रहते हैं आपको कमेंट का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अब यहाँ से आपको देख सकते हैं, यानी हमारा बटन आ गया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आपको, अगर बटन इधर उधर करना है यानी आपको मिरर करना है, मिरर मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो बैक बटन इधर लाना है, जो कि यहाँ से नोटिफिकेशन जो ले आते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से जिस तरह नोटिफिकेशन आते हैं इसको आपको बैक बटन करना है। अब किस तरह करेंगे चलिए आज हमको यही सारी बात इसमें वीडियो में, आपको ये वाला स्पार्ट मतलब जो बोलते हैं उसको किस तरह लाएँ। तो चलिए सबसे पहले आपको सेटिंग यहाँ से ओपन कर लेना है, जिस तरह हमने ओपन कर लिया। उसके बाद जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो एडिशनल सेटिंग आपको यहाँ से दिखलाई देगा। ठीक है फिर एप्स के नीचे एडिशनल सेटिंग, ठीक है फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट बतला रहे हैं, आप यहाँ से वीडियो धीरे करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको भी देखने में बोरिंग सा महसूस होता है। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ बटन शॉर्टकट को दिया है, तो बटन शॉर्टकट अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, हम आपको बटन शॉर्टकट बतला देंगे। ठीक है, बटन शॉर्टकट का मतलब है आपको जैसे भी अगर डबल क्लिक करते हैं तो कैमरा चालू हो जाता है, जैसे आप 3 फिंगर यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट दे, इससे भी बटन शॉर्टकट बहुत सारा दिया होता है, तो आप उस पर कहेंगे तो हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस पर सीखिए। उसके बाद जो ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं यहाँ से फुल स्क्रीन डिस्प्ले, आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इसमें है बॉटम। ठीक है, इसमें फुल स्क्रीन गेस्चर, आपको यहाँ से आपको ये वाला अनेबल कर देना है, जिससे आपको इसको अनेबल कर देना है। रहा बात आप जिस व्यक्ति को अगर आपको यहाँ से अगर बटन आपको चेंज करना है, ये वाला ऑप्शन आपको नीचे जो दिखलाई दे रहा है इसको अगर चेंज करना है, तो जो मिरर बटन का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है आपको यहाँ से मिरर बटन का, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए साइड हमारा बदल जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो में आपको ये भी सीख लिया कि किस तरह आपको बटन बदलना है। ठीक है, यहाँ से आपको हमको मिरर नहीं, आपको हमको सही रख रहा है यही, तो आपको अगर आपको जो भी रखना है आप हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से बटन हटा देना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लर्न जेस्चर, आपको यहाँ से लर्न पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, आप इस तरह का इंटरफेस आपको देख सकते हैं, जैसे आप इस ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो गो टू होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसके बाद ओपन रिसेंट्स, उसके बाद गो बैक, ये वाला ऑप्शन को सभी को लर्न पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से समझाया गया, देखिए जिस तरह करें आपको उस तरह करेंगे, ये वाला जिस तरह यहाँ से देखिए यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कर देना है, देखिए ये वाला हमारा नाइस लिख कर आ जाएगा।
आपको समझा रहा है किस तरह आपको करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ना देखकर ऊपर में आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से स्वाइप राइट फ्रॉम द ईड गेट, ठीक है। फिर आपको यहाँ से ईड गेट कर देना है। देखिए बैग हो गया, ना इसे लिख देगा, वो सही करेंगे आपको ना इसे लिखे। यहाँ से आपको बैग बटन सीखना है, यहाँ से जैसे करेंगे तो यहाँ बैग बटन यहाँ से ना इसे लिख देगा। उसके बाद यू रेडी टू रॉक, आपको रेडी मतलब आप तैयार हैं इस मतलब जो भी सेटिंग ऑन किए हैं इसको चलाने के लिए। आपको यहाँ से आई एम डॉन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेंड बैक आ जाएगा। आपको इसी तरह करके आपको चला देना। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो पर, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेट मिलता है आगे का वीडियो बनाने में, एनर्जी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो का समाप्त। अब सीख गए होंगे।